मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको वशीकरण का ऐसे खूंखार से खूंखार प्रयोग बताने जा रहा हूँ। लोग कहते, मेरे मित्र कहते, मेरे व्यू कहते, पंडित जी मैंने वहाँ से काम करवाया, रिजल्ट मिला नहीं, वहाँ मैंने रुपये पैसे खर्च कर दिया, कोई रिजल्ट आता नहीं। तो वाट इज़ द रीज़न, इसका कारण क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या होगी, उसी के अनुसार हम कोई कार्य करेंगे, उसका टाइम टेबल होता है, कौन सी परिस्थिति में, कौन से जगह, कौन से समय, कौन सी तिथि को और कहाँ हम ये कार्य करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। ये जानकारी है जिसके पास, वही रिजल्ट दे सकता है। तो आज मैं वशीकरण का प्रयोग बताने जा रहा हूँ और ये वशीकरण किसी के ऊपर भी आप लागू कर सकते हो और उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हो। वशीकरण का अर्थ ये होता है कि किसी के ऊपर हम तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसको अपने फेवर में बनाना। फेवर में बनाने का अर्थ ये है कि उसका प्रेम पाना और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गैर उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर गैर उपयोग और दुरुपयोग करोगे तो ये वशीकरण का प्रयोग लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले हम किसी लड़की या औरत या लड़का या आदमी के ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं और उसका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये प्रयोग शनिवार के दिन करना है और दोपहर को 1 से 3 बजे के बीच का समय टाइम टेबल होना चाहिए। और ये प्रयोग करते समय एकांत जगह में प्रयोग होना चाहिए, सुनसान जगह पे ये प्रयोग करेंगे तो ही लागू पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको एक ऐसा काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े लेके और फिर वशीकरण करते हैं तो इसमें मरे हुए जानवर को मारना नहीं, हमको मरे हुए जानवर के पूंछ की बाल लेना है। बाल लेके जिसको ऊपर हम वशीकरण करते हैं उसके नाम का बाल काले कपड़े पे रख देंगे और 7 बार उसका नाम लेंगे जिसको ऊपर हम वशीकरण करने जा रहे हैं। उसके बाद में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, उसका 7 बार नाम लेके 3 बार छिड़काव करेंगे। उसके बाद में तीन कलर के फूल लेना है और बाल के ऊपर रख देना है और 2 बार उसका नाम लेना है जिसके ऊपर हम वशीकरण करने जा रहे हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी या औरत हो। और फिर एक नींबू लेना है और इस नींबू के ऊपर उसका नाम लिखेंगे जिसके ऊपर हम वशीकरण करेंगे, उसका नाम लिख रहा है और पीछे उसके परिवार के एक सदस्य का नाम लिखना है। अगर शादीशुदा है तो पति या औरत का नाम होना चाहिए और शादीशुदा नहीं है तो उसके माँ या बाप का एक नाम लिखना है और ये यहाँ पे रख देना है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लो। मित्रों वीडियो पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वशीकरण के प्रयोग आते हैं जो आप घर बैठे सीख सकते हो या प्रयोग करके किसी का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में हमको एक वशीकरण का मंत्र बोलेंगे। ये मंत्र आपको याद करना पड़ेगा या फिर मेरा वीडियो देख के इसको बार बार आप रिपीट करना, बोलते जाना, आपको याद हो जाएगा। तो जिसको पर हम वशीकरण करने जा रहे 21 बार उसका मन में नाम लेना है और उसको स्मरण करना है, याद करना है और ऐसे याद करना है जैसे वो वशीकरण करने में आपकी मदद करती है या करता है, वो आपके पास ही खड़ा ऐसा महसूस आपको हो जाना चाहिए। सच्चे मन से उसको याद करना है। याद करके अब एक वशीकरण का तांत्रिक वशीकरण का हम मंत्र करेंगे। क्लीम 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 आजीवन वश्यामी। अब उसका 7 बार नाम ले लो जिसके ऊपर वशीकरण करने जा रहे। कुरु कुरु स्वाहा शमशानिक शक्तिया काल भैरवी शक्तिया चामुंडाई नमः। कामसूत्र देवाय कामसूत्र मम कार्य सपलानी कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र करना है। ये मंत्र करने के बाद में इसको शमशान, जब भी आपको शनिवार को प्रयोग कर रहे हो या आपका प्रयोग ये इतना सफल हो जाता है तो उसी समय जहां से आपने वशीकरण किया उस जगह से आपको शमशान में जाना है और रास्ते में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है और शमशान में जाके इसको खड्डा खोद के जिसके ऊपर आपने वशीकरण किया है उसका 21 बार नाम लेके खड्डा खोद के उसमें खड्डे में इसको दफना दो या गाड़ दो और ऊपर मिट्टी रख के और कुमकुम साथ में ले जाना। कुमकुम से ओम वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा यह मंत्र लिख दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 7 घंटे के अंदर अंदर ये वशीकरण का प्रयोग जिसके ऊपर आपने किया लागू हो जाएगा। उसके अंदर आपके प्रति प्रेम जागृत होगा, सामने से फोन करेगी, मैसेज करेगी या
मिलना आएगा, आजीवन आपके वश में हो जाएगा। सिद्ध किया हुआ प्रयोग है और आप करके देखिए, आप बता दोगे पंडित जी जो आपने वशीकरण का प्रयोग बताया है मेरे को रिजल्ट मिला है, उसका प्रेम मिला है और आजीवन आपके वश में हो जाएगा या हो जाएगी, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगी, ये मेरा दावा है।